ऑल राइट, सो हाई एवरीवन, माई नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का जो ये वीडियो है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग हैं अभी जो वहाँ पे ट्रैवल बैन की वजह से वेट कर रहे हैं, दे आर अफेक्टेड, बट हमारे पास अभी कोई और ऑप्शन भी नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टाइम अभी हमारे पास है वो हम कोई ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जिसमें कुछ प्रोडक्टिव हो जाए, हमें कुछ फ़न भी मिले उसमें से एंड हमारा कुछ डेवलपमेंट भी हो। वैसे तो आज का जो ये वीडियो है वो मुझे इंग्लिश में ही बनाना था, बट मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि माय वीडियो इज़ टारगेटेड टुवर्ड्स ईच एंड एवरी वन ऑफ माय व्यूअर्स एंड नॉट जस्ट दोज पीपल हु हैव टेकन देयर आइल्स और हु आर प्लानिंग फॉर देयर आइल्स एंड देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हु वॉच माई कंटेंट। तो मैं अगर ये वीडियो एक ऐसी लैंग्वेज में बनाता हूँ जो डायरेक्टली मुझे अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करती है, तो मैं उनको इन तरीकों के फ़ायदे इस तरीके से समझा सकूँ कि उनको बहुत अच्छे से समझ में आए, और वो भी जिनको रोज़ की प्रैक्टिस नहीं है इंग्लिश की वो भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, क्योंकि मेरी व्यूअरशिप में सारी की सारी एज कैटेगरीज इन्वॉल्व है। तो देखो, आइल्स के जो बेनिफिट्स है वो सबको पता है, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। तो एडमिशन जिनका हो गया है उनको भी ये वीडियो क्यों काम में आएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में स्पोकन इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे और स्पोकन इंग्लिश आपके आइल्स के बाद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कोई भी इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे तो वहाँ पे वो लोग यही देखते हैं कि कितना कॉन्फिडेंटली ये कम्युनिकेट कर पाता है। और इसका रीज़न ये है कि कई बार जब कस्टमर के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है पार्ट टाइम वर्कर्स का, तो कोई भी एम्प्लॉयर को यही चाहिए कि वो एक अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कस्टमर सर्विस। और यहाँ पे अगर कस्टमर सर्विस नहीं है, आप नहीं दिखा पा रहे हो आपकी स्किल्स, सो यू वॉन्ट बी एबल टू इम्प्रेस देम। सो इट्स डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट मी टेल यू दैट हियर वी आर नॉट वर्किंग ऑन द एक्सेंट। एक्सेंट इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, एक्सेंट के तो आइल्स भी मार्क्स नहीं देते हैं। सो एक्सेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट अनलेस यू योर सेल्फ फील वेरी अनकम्फर्टेबल अबाउट योर एक्सेंट, देर इज नो नीड टू चेंज एनी थिंग, यू नो इट इज़ वॉट इट इज, यू स्पीक द वे यू स्पीक, सो डोंट वरी अबाउट एक्सेंट। द फर्स्ट थिंग टू फोकस इज कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी। सो इस वीडियो में हम कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी पे ही फोकस करेंगे। तो अब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देर आर ऑलवेज फोर स्टेप्स ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और हम जो भी तरीके यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे इनमें से एटलीस्ट एक पे फोकस करेंगे। और बेनिफिट ये है कि जो भी मैं तरीके आपको बताता हूँ उसमें कोई ना कोई एडवांटेज आपका होगा ही अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉचिंग मूवीज। तो जब भी आप कोई इंग्लिश मूवी देखते हो आप वहाँ पे देखोगे कि हर एक कैरेक्टर जो है वो अलग अलग तरीके से बोलता है, अलग अलग एक्सेंट से बोलता है, अलग अलग मैनरिज्म्स होते हैं, अलग अलग स्लैंग्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, तो इसमें आपकी लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी और उनकी लैंग्वेज में से ऑब्वियसली आप देख के जो सीखोगे वो तो होगा ही। तो यू विल बी ट्रेनिंग योर सेल्फ टू लिसन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हो गया, स्कॉटिश एक्सेंट हो गया, मेक्सिकन एक्सेंट हो गया, अमेरिकन एक्सेंट हो गया, ब्रिटिश एक्सेंट हो गया। तो ये सारे एक्सेंट्स में एक ही वर्ड को कैसे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं ये आपको सीखने में आएगा। तो स्टार्ट वॉचिंग मूवीज़, और ऑब्वियसली इसका बेनिफिट तो है ही कि मज़ा आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप बैठ के मूवीज़ देखो तो आप सेकेंड ऑप्शन के लिए जा सकते हो, विच इज़ टीवी शोज़। तो टीवी शोज़ में भी सेम बेनिफिट्स हैं, बट एक और बेनिफिट ये है कि वो शॉर्ट टाइम के होते हैं, तो शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा बैठने का कमिटमेंट ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है सॉन्ग्स। आपको जिस तरीके के पसंद आते हैं, पुराने पसंद आते हैं तो पुराने, नए तो नए, लेकिन उनको सुनना शुरू करो, वर्ड्स उसमें से सीखो, अलग अलग वर्ड्स, उसको कैसे पोएटिक वे में वो प्रेजेंट करते हैं, तो सॉन्ग्स का भी मज़ा आपको आएगा। यहाँ पे इट डजंट एंड एट लिसनिंग, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू स्टार्ट सिंगिंग अलॉन्ग। तो सिंगिंग अलॉन्ग क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यू विल बी ट्रेनिंग योर सेल्फ टू लिसन टू योर ओन वॉइस। कई बार क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग अपने आप को इंग्लिश में सुनते हुए बहुत एम्बेरेस हो जाते हैं, वो अपने आप को इंग्लिश में सुन नहीं पाते और इसलिए वो फिर बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी इंग्लिश बहुत ख़राब है और वो अपने आप को पसंद नहीं करते सुनना। सो स्टार्ट सिंगिंग अलॉन्ग, तो क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाओगे अपने आप को, लाउड आवाज़ में आप सिंग करोगे साथ में, सो यू विल बी एबल टू सिंग, नॉट ओनली सिंग बट यू नो एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ बेटर वे। सो लिसन टू सॉन्ग्स एंड सिंग अलॉन्ग विथ ऑल इमोशन, तो मज़ा भी आएगा एंड ऑब्वियसली
एक्सप्रेशन भी आपका सुधरेगा. एंड ऑफकोर्स बाथरूम सिंगिंग ऑल्सो इंक्लूडेड चलता है, एज लॉन्ग एज आप बहुत आवाज़ नहीं करते हो घर में, दैट्स फाइन. इसके बाद है स्टार्ट रीडिंग एंड रीडिंग आउट लाउड. सो जो भी आपको बुक पसंद आए, फिक्शन नॉन फिक्शन, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फिक्शन प्रेफर करो, क्योंकि हमारे इस पर्पज़ के लिए, क्योंकि उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और उसमें अलग अलग इमोशंस होते हैं. तो जैसे कोई एंगर में कोई अपना डायलॉग बोलता है तो आप एंगर में बोल सकते हो एंड रीड आउट लाउड, ऐसे मन में नहीं बट लाउड. तो जैसे आपने कोई एंगर वाला है तो उसको एंगर से बोलो. कैसे एक वर्ड में इंटोनेशन आता है, कौन से वर्ड पे एम्फसाइज करना होता है, कौन से वर्ड में एम्फसाइज नहीं करना होता है, और कौन सा वर्ड जो है वो कौन से वॉल्यूम से बोलना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी और यू नो इट विल बी फन ऑल्सो. सो स्टार्ट रीडिंग बुक्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मोटिवेशनल वीडियोस एंड स्टैंड अप कॉमेडीज. और इसका रीज़न ये है कि देखो, ये दोनों ही कैटेगरीज ऐसी हैं जो फेमस इसलिए होते हैं क्योंकि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि हर एक मोटिवेशनल स्पीकर 100% राइट होता है या फिर 100% सारी कॉमेडीज होती है वो फनी ही होती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों जो कैटेगरीज हैं उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइट टाइम पे राइट एम्फेसिस बोलोगे तो ही वो सामने वाला आदमी इंस्पायर होगा और हंसेगा, वॉट एवर द कैटेगरी में भी. अगर स्टैंड अप कॉमेडी है तो द कॉमेडियन हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट हिज टाइमिंग, ही हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द स्पीड. अगर वो बहुत धीमे धीमे बोलेगा तो लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ये क्या जोक करने वाला है, तो फिर हंसी नहीं आती. अगर वो बहुत फास्ट बोल जाता है तो लोग को समझ में नहीं आता. इसलिए इसमें ये ऑब्जर्व करना कि कैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बात करता है. एंड देन देर इज़ डॉक्यूमेंट्रीज. तो डॉक्यूमेंट्रीज देखो और जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, मज़ा भी आएगा, और आपको फॉर्मल लैंग्वेज भी आपको सुनने में मिलेगी कि कैसे फॉर्मल ग्रामर होता है, कैसे स्लैंग के बिना कैसे बात होती है. तो आपको स्लैंग की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी मूवीज़ एंड टीवी शोज से, और फॉर्मल की भी मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्रीज से. इसके अलावा है मोबाइल ऐप्स. सो देर आर लॉट ऑफ ऐप्स जो आपको डेली वोकेबुलरी बिल्ड करने में हेल्प करती है. देर आर लॉट ऑफ गेम्स जिसमें आप वर्ड्स बना सकते हो, तो वोकेबुलरी भी इम्प्रूव होगी आपकी, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा एंड इट विल बी फन. एंड लास्ट इज ग्रैटिट्यूड डायरी और अ ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड अ पर्सनल डायरी. सो ये क्या होता है कि इसमें आप रोज़ आपके साथ क्या क्या हुआ, या तो उसका एक पैराग्राफ में आप डिस्क्राइब करते हो, या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल है तो आप बुलेट पॉइंट्स में करोगे. बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप पैराग्राफ फॉर्मेट में ही सारी चीज़ें लिखो. इससे आपका राइटिंग भी इम्प्रूव होगा, आपकी मेमोरी भी डेवलप होगी, क्योंकि जब रोज़ रोज़ आप पूरा दिन आपका डॉक्यूमेंट करते हो, सो यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू रिमेंबर द डिटेल्स. आप यू विल फोर्स योर सेल्फ कि आज क्या हुआ था, वेट लेट मी मेक द सीक्वेंस एंड ऑल. सो इस तरीके से आपको मेमोरी भी इम्प्रूव होगी आपकी. और ग्रैटिट्यूड जर्नल तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें रोज़ चाहे जितना भी ख़राब आपका दिन गया हो, आप कुछ चीज़ें ऐसी उसमें लिखते हो कि भाई चाहे जितना ख़राब दिन गया मेरा, मेरे पास एटलीस्ट 10 चीज़ें थी ऐसी जो अच्छी थी. सो इट विल गिव यू अ पॉजिटिव आउटलुक. फिर आपको ऐसा लगेगा कि देखो उस टाइम पे मेरा ख़राब टाइम चल रहा था, लेकिन देखो आज तो मैं यहाँ पे हूँ. तो यू विल टेल योर सेल्फ कि ठीक है यार, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू. सो ये सारे फ़ायदे हैं इसके. एंड आई रियली होप कि आपको ये जो तरीके मैंने बताए वो आपको मज़ा भी आए उसको करने में, और आपका इंग्लिश भी डेवलप हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इंग्लिश का. सो या विद दैट आई विल टेक योर लीव टुडे एंड सी यू गाइस सून. थैंक यू सो मच.